जब मजबूर हो गए तो हमने एक धरना प्रदर्शन करने का निर्णय किया। उसका डेट जो है 5/9/24/11 बजे वहाँ शिमला में हम धरना प्रदर्शन विधानसभा के आगे करने के लिए पूरा हिमाचल प्रदेश का पेंशनर वहाँ पहुँचेगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संगठन प्रदेश सरकार द्वारा लंबित चल रहे मसलों को सुलझाने के लिए वार्ता शुरू नहीं करने पर उग्र हो गया है। संगठन की आपात बैठक बुधवार को आयोजित हुई। इस मौके पर हिमाचल पथ परिवहन निगम से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की लंबित चल रही मांगों पर विचार मंथन किया गया। संगठन का कहना है कि सरकार के इस अड़ियल रवैये के चलते बुजुर्ग अवस्था में पहुंच चुके पेंशनर्स को 5 सितंबर को सड़क पर उतरने को मजबूर होना पड़ रहा है। जब हमें ये पेंशन नहीं मिलती है समय पर तो हमारे को मजबूरी कोई ना कोई कदम उठाना पड़ता है। मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं होता, अपने नए वेतनमान का भुगतान नहीं हुआ, 50,000 राज्य कर्मचारियों को मिल गया, उसके बाद 20% और मिल गया, हमें एक पैसा नहीं मिला। और डीए एरियर जो हमारा 1 जनवरी 2016 से पेंडिंग आज तक नहीं मिला, तो मजबूरन हमें एक रूपरेखा हमने बनाई। जब हमीरपुर में मीटिंग हुई पिछले महीने तो उसमें हमने जब मजबूर हो गए तो हमने एक धरना प्रदर्शन करने का निर्णय किया। उसका डेट जो है 5/9/24/11 बजे वहाँ शिमला में हम धरना प्रदर्शन विधानसभा के आगे करने के लिए पूरा हिमाचल प्रदेश का पेंशनर वहाँ पहुँचेगा और वहाँ पर अपनी बात रखेगा। अगर सरकार ने, हम तो चाह रहे हैं कि सरकार हमें कल ही बुला ले, आज ही बुला ले कि हमारे साथ वार्ता करो, हम नहीं धरना करेंगे, लेकिन अगर नहीं बात की गई तो हम पूरी ताकत के साथ, चाहे महिलाएं हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे कोई भी पेंशनर है, वो पेंशन जो लेता है वहाँ पहुँचेगा और इस धरने को कामयाब करेगा।